किताबें सिर्फ आमीन के लिए लाएं, हमारे लिए थोड़ी ना लाएं। यही तो बात है कि आप हमेशा हमें गलत समझते हैं। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी को भी उठा कर ले आएगा और हम कबूल कर लेंगे। हम आपको दिल की जुबान सिखाएंगे और आपको मोहब्बत के खत लिखने की तालीम देंगे। फरमा रहे थे अब इस जगह पे हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। What do you say? No way. I'm not going anywhere. मैं जानती हूँ कि तुम मेरे को कुछ बताओगी नहीं, पर अपने हालात को मुझसे छुपा नहीं सकती। इधर किधर को जा रहे? क्या मतलब? मतलब मगर किधर को जा रहे? बस इसी तरफ जा रहा हूँ। इसी तरफ मतलब किधर को जा रहे? यही पास में। अरे पास में तो मैं समझता है बरखुरदार, मगर हमको ये बताओ कि ये तशरीफ का टोकरा किधर से लाया? यही पास में मेरा तंबू है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ रुका हूँ। यहाँ मैं गुलरेज खान साहब से मिलने जा रहा हूँ। वो गुलरेज खान घर में नहीं है, बाहर गया। जो चलो जो। बेहतर है मैं उनकी बेगम से मिल लूंगा। ए, सुनो, उसका बेगम भी घर में नहीं है। चलो जाओ, बाहर जाओ। कोई बात नहीं, मैं उनके बच्चों से मिल लूंगा। अरे ए, सुनो, आमीन। अरे शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कर रहे थे मियां? पढ़ाई लिखाई तो तुमने अभी तक शुरू नहीं की होगी। आपके बिना मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ता। चल, आप कल सही कह रहे थे अमीन मियां, बिना उस्ताद के तालीम थोड़े ना हासिल होती है। वही तो आज से हम आपके उस्ताद बनेंगे। तो फिर हम जरूर पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज ही से बिस्मिल्लाह करते हैं। किताबें लेकर आइए। हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या शाहिद भाई? हाँ, तो कीजिए ना बिस्मिल्लाह। हाँ करते हैं ना। वैसे अगर कोई और पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, हम उसे भी पढ़ाएंगे। और किसी को कुछ हासिल नहीं करना, आप सिर्फ हमें पढ़ाइए। ठीक है मियाँ, कुछ लोगों को किताबें इकट्ठी करने का शौक होता है, उन्हें पढ़ने का शौक थोड़ी ना होता है। और कुछ लोग तो अपने आप को तालीम से महरूम रखने के लिए किताबें बेच देते हैं। हमने आपको किताबें इसलिए नहीं दी थी कि आप हमें वापस कर दें, आप इनसे तालीम हासिल करें, बस हम यही चाहते थे। क्या फायदा होगा इससे? कुछ दिनों में तो हम ये जगह छोड़ देंगे और ऊपर को चले जाएंगे, फिर कौन हमें तालीम देने के लिए हमारे साथ होगा? अब देखना कोई सामान छूट वूट तो नहीं गया। सलाम खान साहब। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे हो बेटा? जी अल्लाह का फजल है। कैसे आना हुआ शाहिद साहब? अमीन तो अभी खैरियत से है, दवा की भी उसको जरूरत नहीं है। जी खाला, बस उसे पढ़ाने आया था, अगर वो पढ़ेगा तो। कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई करके क्या रुतबा हासिल कर लेगा वो? बेकार के सपने मत दिखाओ, उसको अपनी औकात में रहने दो। अरे ओए ओए जाहिल औरत, क्या बात करिए, क्या बात करिए, जमाना कहां से कहां पहुंच गया और तू 100 साल पीछे जी रही है। ओए शायद बेटा पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तरह पढ़ाओ। ओए अमीना, ये शायद तुम्हें अकल देने की बात कर रहा है, जी लगा के पढ़ाई कर। हाँ तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। हाँ हाँ बेटा, कर पढ़ाई। कोई फायदा नहीं है शाहिद साहब, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त खराब मत करो। ये कैसी बात कर रही हैं खाला? मेरे लिए वक्त का कोई मसला नहीं है, मैं अपना वक्त किसी नेक काम के लिए गुजारना पसंद करूंगा। आमीन को पढ़ाने में जो मुझे तसल्ली मिलती है, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। चलिए शाहिद भाई, हम बाहर जाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर सब लोग हैं। चलिए। Thank you.
इस पर लिखा जाता है, इसे स्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेट। हाँ, पकड़ो इसे। और इस पर इससे लिखा जाता है, पकड़ो ऐसे, नहीं ऐसे। हाँ, कर रहे भाई। तो बड़ी स्लेट लेकर आओ ना। ये देखिए साहब, है तो रोलिंग लेकिन बहुत मजबूत है साहब। ये ऐसे कर, ये देखिए, ये मिलेगा ना जनाब, जम्मू जाना पड़ेगा। चौक तो चाहिए नहीं होगा जनाब को? तो ठीक है, आप भी 50 दे दीजिए। हेलो गाइस। हाय शायद। ये तू ब्लैक बोर्ड से क्या कर रहा है यार शायद? क्या सीक्रेट मिशन है हमें तो बता। कोई बात नहीं है यार। अच्छा, तो इस ब्लैक बोर्ड पे नए सिरे से ABCD सीखना शुरू करेगा, है ना? हाँ। मैं नए सिरे से तालीम हासिल करना चाहता हूँ। यार मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि सही मायने में मैं तालीम याफ्त नहीं हूँ। यार तू क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता तो रहा हूँ। मतलब ये कि उस तालीम का फायदा ही क्या जो सिर्फ आप तक रह जाए और सड़गल जाए। माने ये कि उस लहू का फायदा ही क्या जो आंख से ना टपके। हमेशा बाउंसर बॉलिंग करेगा यार। अगर एक चिराग जलता है तो उसे बाकी के चिराग भी जलने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। बस यही इरादा है मेरा। शाबाश आमिर, एक काम करो, इसे पकड़ो, मैं की लगाता हूँ। हाँ, ये है हमारी बड़ी स्लेट। बच्चों, ये एक भेड़ है। क्या शायद भाई, ये भेड़ है क्या? तो क्या है? ये तो बकरी है। भेड़ तो कभी सींग होते हैं? अब तो ये भेड़ है ना? हाँ। अच्छा, अब सब बच्चे एक एक चौक लेंगे और अपनी अपनी भेड़ बनाएंगे, ठीक है? हटो, ये क्या बना दिया? ना भेड़ ना बकरी।
सब बच्चे एक एक करके आएंगे और बेड बनाएंगे, फिर इसके बाद हम सब मिलकर गिनेंगे, ठीक है? बच्चों आज जो जो सिखाया है कल वो सब याद करके आना, वरना दो कानों में सर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दो कानों में सर कर दूंगा। शाबाश, जाओ छुट्टी। जी खाला, तुम कल से इधर आने की जहमत मत उठाना। जी ये आप क्या फरमा रही हैं? मैं दुरुस्त कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम इधर रोज किस लिए तशरीफ लेके आते हो। हमारी नियत में कोई खोट नहीं है खाला। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम एक नेक दिल और पाक साफ इंसान हो, पर तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। मैं समझा नहीं। तुम जिस दिन हकीकत से वाकिफ होगे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और मेरी राबिया का क्या हाल होगा जानते हो? राबिया हमारी बेटी, वो हमारे लगते जिगर है, मगर हकीकत तो ये कि वो हमारी बेटी नहीं है, वो हमारी बहू है। बादलों के अंदर से होके गए, मेरी तो देख स्लीव्स भी गीली हो गई है बादल के पानी से। आई टेल यू यार, बादल के पानी से गीली हुई है। क्या हुआ भाई? आई एम टॉकिंग टू यू। बुखार उखार तो नहीं है? बुखार बुखार तो नहीं है यार। शायद क्या हुआ यार? शाहिद क्या हुआ भाई? सुबह जब गए थे तब तो बड़ा चहक रहा था, अभी क्या हुआ तुझे? तबीयत ठीक नहीं होगी और क्या होगा, हालात भी तो देखो यहाँ के, कुछ ज्यादा सीरियस मामला लगता है मुझे। शाहिद शाहिद हम तुझसे बात कर रहे हैं यार, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग वापस चलेंगे। वापस चलेंगे? ये कल ही तूने अंकल को फोन किया कि तू वापस नहीं आ रहा, अभी अचानक जाने का फैसला? What do you mean यार? कह दिया ना चलेंगे। चलो बैग लगाओ। खुशामदीद खुशामदीद, क्या बात है भाई, इतने दिन पहाड़ों पर गुजार के आए, खाने की खबर भी नहीं, क्या सरप्राइज है, सब खैरियत तो है? जी
शाहिद यार बहुत बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? जी सब ठीक है। शाहिद जीते रहो बेटा, खुदा सलामत रखे, सब खैरियत है? जी तेवर तो कुछ और बता रहे हैं। थोड़ा आराम करने दीजिए फिर पूछते हैं। आप ज्यादा फिक्र ना क्या कीजिए अम्मी, हमारे लखते जिगर अब जवान हैं, माशाल्लाह अपने आप को संभाल सकते हैं। हो सकता है सिर्फ थकान हो, कुछ देर फुर्सत में बैठेंगे तो खिल उठेंगे, है ना? साहबजादे जी। क्या बात है भैया, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला जो आपको परेशान कर रहा है? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मसला, नॉट एट ऑल। भैया अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ना ये बिजनेस में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ना दोस्तों में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, आजकल अपना वो क्रिकेट विकेट भी नहीं खेल रहे आप। बताइए बताइए क्या है? आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको लगता है कि आपके अब्बू बेवजह फिक्र कर सकते हैं? हमारे फिक्र करने की वजह वो ये कि हम आपके अब्बू हैं और आपको प्यार करते हैं, समझे? बताइए जी अब्बू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन दिल नहीं मांगा कि आपकी बात मानी जाए। एनीवे हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
को वापस लेने के लिए नहीं दिया था। तो हम इसका क्या करेंगे? आप हमें इसका जवाब लिखेंगे। पर ना तो हम पढ़ना जानते और ना लिखना। नीचे जा रही है, हमको गुस्सा मत दिलाओ। अपने आप तो पढ़ नहीं सकता, कौन पढ़ाएगा तुमको? अलग पे तो आता नहीं है, जाओ पेट पकड़ के लाओ। आया अम्मी, शायद वे हमको पढ़ाने के वास्ते क्यों नहीं आते? हमें समझ में नहीं आ रहा है अम्मी जान, कई दिनों से शाहिद के बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हमें कुछ बताते भी तो नहीं है साहबजादे। अब देखिए ना, ना ठीक से खाता है, ना पीता है, ना बातचीत करता है, ना खेल, ना टीवी। पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। मुझे तो लगता है होना हुई जब से ये पहाड़ों पर गया है वहीं कुछ हो गया है। हो सकता किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई हो कि कुछ पशुपेश में हो, या कुछ ऐसा वाकया देख लिया हो कि हंसना खेलना भूल गए। जाने क्या माजरा है, आप बात करके देखिए ना, शायद आपसे कुछ जी हल्का करें, उसके मन को टटोलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसे हमसे बात करने में मुश्किल पेश आ रही हो। पता तो लगना चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या होगी? उम्र का तकाजा है रहमान बेटा, मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द निकाह कर डालो। अगर कहीं कुछ गलत कदम उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं हमने। इस उम्र में घर बस जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अब ज्यादा देर मत करो, लड़की देखो और निकाह कर दो उसका। अगर कहीं कुछ गलत किया भी होगा तो हालात काबू में आ जाएंगे। हर उम्र के साथ उस उम्र की बीमारी लगती है और उसका इलाज भी उसी के मुताबिक होता है। मैं तो उसी दिन से कह रही हूँ कि इसकी चाल ढाल ठीक नहीं है। अब तो पक्का यकीन हो गया है कि साहबजादे वहां कुछ हेर फेर करके तो आए। लेकिन बातें करने से हल नहीं होगा, हल निकलेगा उसको शादी के बंधन में बांधने से। 100 बातों की 1 बात। हाँ, लेकिन पता तो लगाना ही होगा कि आखिर हकीकत क्या है।